वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक पोस्टर को डिजाइन करते हैं जो कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे मैंने बनाया है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम आसानी से इन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करते हुए पोस्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव होगा। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है क्योंकि जो भी डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे इस इमेज को हम यूज कर रहे हैं, इसको मैं पेन टूल यूज करके जो है वो कट करके निकाल ले रहा हूँ ताकि ये जो कार है इसे मैं अपने उस क्रिएटिव में यूज करूँ, क्योंकि मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ जो कि एक कार कंपनी का है। ओके, सो आपको ये चीज हमेशा पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान कर लीजिए कि क्या बनाना है। तो मैं इसे पेन टूल इसलिए यूज करके कट कर रहा हूँ बिकॉज ये एक अच्छा सा आपका जो आउटलाइन है वो डिफाइन कर देगा। वैसे तो सिलेक्शन के कई सारे प्रोसेस हैं, तो पेन टूल यूज करके सबसे पहले हम लोग मास्क कर लेंगे बिकॉज अगर आपको कभी लगे कि आपको ज्यादा कम करना है कुछ, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे मास्क करके स्केल कर लिया। नाउ क्लिक करके सिलेक्शन करके हम लोग इसका जो शेडो है वो क्रिएट करेंगे। शेडो वो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक था तो हम लोग वहां से जाके जो है वो फोरग्राउंड कलर इजली फिल कर सकते हैं। अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस इज द शॉर्टकट फॉर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे शेडो जो ऐसे अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ब्लर करना है, वह तो शेडो जो है कंट्रोल बटन को होल्ड करके हम लोग ये जो नोड है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए, इसके ट्रांसपेरेंसी को भी हम थोड़ा कम करेंगे लेटर ऑन। और तो यहाँ से ब्लर कर लेते हैं, गॉसियन ब्लर जो है हम लोग यूज कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसका वैल्यूज है वो जो उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। ओपेसिटी थोड़ी सी एडजस्ट हम कर लेंगे क्योंकि शेडोज जो है वो कैसा हमें चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। वॉट इट, तो ये एक लैम्बोर्गिनी कार है जिसका मैं एक क्रिएटिव पोस्टर जो है वो तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें वो चीजें जो है इंपॉर्टेंट वो हमें हमेशा दिखानी पड़ेंगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। मैं रेगुलर यहाँ पे वीडियोस रोजाना डालता रहता हूँ। प्लेलिस्ट पे आप जाके बाद में और भी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कई सारे क्रिएटिव्स जो प्रिंट और वेब से रिलेटेड है, यानी वेबसाइट से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है, उन सभी को मैंने डिजाइन करा है। ओके, तो यहाँ पे हमने ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपियरेंस जो है वो बहुत मैटर कर जाता है। गॉट इट, तो यहाँ पे हमने सेट करा इसका शैडो। वंस यू डू दैट, इसके बाद जो है वो टेक्स्ट पे हमें फोकस करना है। एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो ओवरऑल जो हमारा क्रिएटिव कैसा अपीलिंग होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कलर का सिलेक्शन आप करोगे ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कैसा कलर आप चाहते हो, मतलब कि जो अपियरेंस है यानी पोस्टर कैसा दिख रहा है उसके कलर पे बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे नीचे की तरफ का मैं छोटा सा स्पेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पे दूंगा, एड्रेस वगैरह या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो ईमेल आईडी है वेबसाइट से वो भी आप इस तरह से दे सकते हैं। ये एक एक तरह का हाईलाइट है। ओके, और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा रोड मैप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये चीज पता चले कि ये जो कार है वो कुछ एक ग्राउंड पे है। तो मैंने शेडो से भी कुछ वही बनाने की कोशिश की और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करके एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसे चेंज करके थोड़ा सा पाथ की तरफ ये मैं बना दिया हूँ और यहाँ से ओके मैंने कर दिया। चलिए और यहाँ पे लेयर में एडजस्ट कर लेता हूँ। ओपेसिटी थोड़ा सा काम करके हम लोग ओपेसिटी पे उसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि वो और ज्यादा डायनेमिक थोड़ा सा लग जाए। और ये इस तरीके से सेट हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक लेआउट तैयार करना है और यहाँ पे टेक्स्ट जो है क्या आपको रखना है वो आप डिसाइड कर लो। जो भी आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पे कार डीलर करके मैंने रख दिया है सपोज, और जो भी आपका क्लाइंट होगा वो ये कंटेंट देगा, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, फॉन्ट क्या होगा, क्योंकि फॉन्ट जो है उससे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि क्या ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी में कितना रखना है, या फॉन्ट वो बोल्ड रखना है या फॉन्ट जो है वो इटैलिक रखना है। तो जो मेन जो आपको हाईलाइट करना है कंपनी का नाम या ये सब, तो इसमें हमेशा हम लोग बोल्ड फॉन्ट यूज करते हैं। फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स है जिसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, पहले से कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं, इसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कई सारे फ्री फॉन्ट्स भी आपको मिल जाएंगे या फिर जो है आप परचेज भी कर सकते हैं। तो कार डीलर का एक फ्लायर है ये। फ्लायर क्या होता है आपको जरूर पता होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन कर दिया है और ये सारे टेक्स्ट। क्या साइज होगा ये भी चीज बहुत मैटर कर जाता है। साइज के साथ आपको खेलना है, मतलब फॉन्ट को एज अ ग्राफिक की तरह आपको यूज करना है। जैसे कि ये ड्रीम कार, गेट योर ड्रीम कार, मतलब अपना जो एक सपनों का जो कार है वो परचेज कीजिए। लैम्बोर्गिनी इज अ फेमस कार, वर्ल्ड वाइड लोगों का ड्रीम होता है इस कार को परचेज करना, इसीलिए मैंने इस कार को लेकर के यहाँ पे ये क्रिएटिव जो है वो डिजाइन किया है। गेट योर ड्रीम कार टूडे, मतलब आज अपने सपनों का कार आप ले जाइए। ओके, इसके साथ साथ
क्या टेक्स्ट आप रखोगे? जैसे ये एक छोटा सा रेक्टेंगल है जो जिसे मैंने यूज करा है, कलर चेंज कर लेंगे, व्हाइट कलर मैंने डाल दिया, और ये जो है वो अपील थोड़ा सा जो है ना, जैसे ऊपर में मैंने कार डीलर फ्लायर जो रखा हुआ है टेक्स्ट, अगर मैं नीचे भी डायरेक्ट रखेगा तो उतना अपीलिंग नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ ताकि ये और ज्यादा बेहतर लग सके, थोड़ा डायनेमिक लग सके। थोड़ा सा फॉन्ट को हम लोग हेवी कर देंगे यहाँ इस ऑप्शन पे जाके, जो भी फॉन्ट के स्टाइल है वहां पे ऑप्शन होता है फॉन्ट को इटैलिक, बोल्ड या फिर नॉर्मल या रेगुलर यूज करने का। अभी जैसे व्हाइट के साथ व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा डेफिनेटली, तो कलर को हम लोग चेंज करेंगे, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जैसे A+ ग्रेड हम इसको दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग इसको यूनिफॉर्म स्केल करके चलेंगे, साइज जो है उस पर कंटिन्यू वर्क करेंगे। एंड चलिए मैं दोनों का अलग अलग लिख ले रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आप ना दोनों को मैनुअल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, साइज जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक साथ रखोगे तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग यहाँ पे सेपरेट रख दिया। आप चाहे तो ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा सा एक लुक देगा। और व्हाइट है तो यहाँ पे मैं ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ। नाउ 100% मैं डाल दिया हूँ क्रिप्टन का ऑप्शन, और फिर यहाँ से आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं कलर्स की वैल्यूज, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो। ओके, देखो फोटोशॉप में जो है वो कई सारे क्रिएटिव्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड जो है ये सॉफ्टवेयर काफी डिमांडिंग है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर में पूरा नॉलेज नहीं है, मतलब सारे टूल्स के नॉलेज आपको नहीं है, देन मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो वीडियोस हम कंटिन्यू बनाते हैं ये सभी आप ही लोगों के लिए, आपके रिक्वायरमेंट पे बनाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था, एंड उनके लिए मैंने ये सैम्पल जो डिजाइन है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। और आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमें हेल्प करेंगे ग्रो करने में, ताकि इस तरह के वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पे हर तरह के जो भी क्रिएटिव्स इंडस्ट्री में चलते हैं उन सभी को मैं तैयार करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक, देखो क्या होता है ना, जब भी आप डिजाइन बनाते हो तो आपको ये हमेशा ये पता होना चाहिए कि मैं क्या रखूं जो मेरा जो डिजाइन है वो यूनिक लगे। सिर्फ मैं टेक्स्ट यूज करूंगा तो डिजाइन इंपैक्टफुल नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा चीज है ना वो आपके डिजाइन को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, 3 सर्कल 3 डॉट्स मैं यहाँ पे बना दूंगा। देख सिक्वेंस को थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, कलर चेंज कर लो, कलर देख लो आपको क्या चाहिए। ओके, स्केल कर लेंगे, ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर इसको कॉपी करेंगे और एक कॉपी और हो जाएगा। चलिए 3 जो है वो ठीक है, थोड़ा सा वो आई कैची होता है, 4 हम लोग दे देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट दैट वन ऑल्सो, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट पे काम करें। अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेशर्स होते हैं जो नए नए डिजाइनिंग बनाना स्टार्ट करते हैं वो अलाइनमेंट पे कभी काम नहीं करते, इसीलिए उनका जो वर्क है वो प्रोफेशनल नहीं होता। आपको हमेशा अपने अलाइनमेंट पे काम करना है। चलिए मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ओके, चलिए एक कॉपी कर लिया। फिर इसको अपने स्पेसिंग कैसे मुझे रखना है, क्या चाहिए मुझे, वो मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा। वंस अगेन 3 डॉट्स हम लोग फिर से यूज कर लेंगे। ओके, अच्छा, चलिए इसको इस तरह से ग्रुप में बना दे रहा हूँ, बिकॉज ग्रुप बना बना के क्या होगा ना, ऐसे अगर आप काम करोगे तो बहुत सारे जब लेयर्स हमारे पास हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा लेयर कहाँ पे। तो ग्रुप बना बना के जो सेपरेट जो है उसे हम कर दें, ताकि हम उसको अच्छे से जो है वो कंट्रोल कर सके। ओके, इसकी विजिबिलिटी ऑन ऑफ कॉपी कर लेंगे हम लोग, इसको इसको आउटलाइन क्रिएट करेंगे, और यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो जो आउटलाइन रीजन है, फिर एक न्यू लेयर ले लेंगे, और यहाँ से एडिट में जाके, फिल में जाके, या फिर स्ट्रोक में चले जाएंगे। स्ट्रोक में जाके हम लोग विड्थ है वो 3 ले लेंगे, फिल से अंदर में कलर जाता है, स्ट्रोक से आउटलाइन है वो क्रिएट करते हैं। वैसे आउटलाइन क्रिएट करने के और भी कई सारे तरीके हैं, वो मैंने पहले भी वीडियोज पे बताया है। ओके, तो इसको स्केल थोड़ा सा कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा बाहर रख लेंगे। यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए आप जानते हैं कि अगर आप सीसी के 2020 वर्जन यूज कर रहे हो विदाउट स्विफ्ट वो स्केल यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज करो देन आपको स्विफ्ट होल्ड करके स्केल करना पड़ता है। ओके, मैं यहाँ पे एक्स थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिल्ट कर लेना, स्विफ्ट होल्ड करके अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो वो एंगल वाइज होगा। दोनों को आप अच्छे से रख के अलाइन कर लो यहाँ से सेंटर, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके फिर आप इसको थोड़ा सा रोटेशन में दे दे रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा यूनिक लगे, आई कैची लगे। चलिए इस तरह से हम इसे छोटा कर देंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट जो है हमें रखना है, जैसे फास्टेस्ट या फास्ट कार, सपोज जैसे कि ये कार जो है वो फास्ट कार है, बहुत ही फास्ट कार है, और यहाँ पे जैसे कुछ मैं टाइप कर ले रहा हूँ, जैसे मशीन ऑफ द वीक, कार
गॉट इट। तो ये भी पोस्टर में जैसे क्या होता है, अगर ये सभी चीजें हम लोग ऐड करते हैं, मतलब जो भी डिजाइन में, जो भी क्रिएटिव्स में हम टेक्स्ट यूज करें और कुछ ऐसे डोमिनेटिंग टेक्स्ट अगर हम यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप कितना भी अच्छा पोस्टर बना दो, सिर्फ आप फोटोज यानी सिर्फ इमेजेस यूज करके इम्पैक्टफुल नहीं बना पाओगे, तो आपको फॉन्ट यूज करने पड़ेंगे। फॉन्ट क्या होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा फॉन्ट यूज करते वक्त ना आप ये पहले से प्री प्लान कर लो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैं जब डिजाइन बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेपर पे जो टेक्स्ट का पार्ट है वो मैं क्लियर कट लिख देता हूँ, क्योंकि डिजाइन बनाते वक्त हमेशा हमारा जो माइंड है वो सिर्फ डिजाइन पे फोकस्ड होता है, तो उस समय आपको अच्छे से ध्यान नहीं आएगा कि आप क्या रखो क्या ना रखो। सो बेटर है कि हम उसे पहले ही डिसाइड कर ले। हाँ, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, इस पे आप बाद में भी थोड़ा काम कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक रफ आइडिया को होना बहुत जरूरी है। चलिए, ये एक छोटा सा मैं बार बार ये चीज इसलिए डाल रहा हूँ, मतलब ये जो छोटे रेक्टेंगल्स या फिर आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं जो है डिजाइन है ना, उसको थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। सभी डिजाइनर एक ही तरह से अगर आप काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं, उनके भी अपने लिमिटेशंस हो जाते हैं। बट अगर आप इनके साथ वर्क कर रहे हो, मतलब ये छोटे छोटे चीजें हैं ना जो आपके डिजाइन को काफी इंपैक्टफुल बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज जब हम बना रहे हैं और ये कलर का सिलेक्शन क्या होगा, फिर यहाँ पे छोटा सा एक और रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं, इसमें कुछ हम टेक्स्ट रख देंगे, सपोज प्राइसिंग एंड ऑल, या फिर कुछ ऑफर ऐसा कुछ रख सकते हैं। तो वो भी चीज जो है ना, ये छोटी चीजें भले हो, लेकिन ये हमारे डिजाइन को काफी हद तक जो है वो कुछ यूनिक बना देती है। उम्मीद है ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर ले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे जो वीडियोस है, कंटेंट्स है, वो आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। कंट्रोल टी फॉर आउटलाइन सिलेक्शन यानी ट्रांसफॉर्म, और इसको हम यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप साइज को रख लोगे कि जो पोस्टर है वो वॉल पे अगर लगेगा, या फिर अगर आप लीफलेट बनाते हो तो वो हैंड पे होगा, तो ये साइज उसके हिसाब से होगी। अगर हम होर्डिंग्स डिजाइन करेंगे तो साइज जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, 30 थोड़ा सा कम था। ओके, स्पेस बार यूज करेंगे ना तो हैंड टूल का काम करेगा, डेफिनेटली यू नो दैट। और यहाँ से फिर हम लोग अपने टेक्स्ट को फिर से कॉपी कर सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे लिखनी है, क्योंकि पूरा खाली खाली थोड़ा सा लग रहा है, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फिट मैं कर देता हूँ। फीचर एक जो होता है, जैसे कार है, उसका कुछ फीचर, अगर आपके पास कुछ रिसर्च आपने करके रखा है, तो जो जिस कार को का पोस्टर आप बना रहे हो, तो उसके जो फीचर्स, उसको और ज्यादा पॉइंट वाइज भी आप हाईलाइट कर सकते हो बुलेट्स डाल के। मैंने डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बुलेट्स नहीं डाला, बट ये 3 डॉट से कहीं ना कहीं बुलेट की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, और ये जो है ये थोड़ा सा जो डिजाइन है उसमें काफी जो है वो अट्रैक्टिव एक पार्ट हो जाता है, तो इसे मैंने रख दिया। फीचर्स को हम इसके नीचे ले जाएंगे, और फीचर सपोज मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और लेटर ऑन इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन, फीचर्स क्या क्या होंगे वो, जैसे कि जो कार है उसके स्पेसिफिकेशन, अगर आप कोई गैजेट बनाते हो तो उसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स क्या है, ताकि जो भी ऑडियंस जो है, जो भी कस्टमर है आपका, अगर वो देखता है तो कहीं ना कहीं उसे पता चलेगा इस पोस्टर का मतलब क्या हुआ, या फिर जो क्रिएटिव आप बना रहे हो उसका मतलब क्या हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो, जिस मार्केटिंग के लिए आप यूज करना चाह रहे हो, वो जो फीचर्स है वो की रोल प्ले करते हैं उस डिजाइन के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे मेंशन करना हो। ओके, ऑटो ट्रांसमिशन, तो ऑटो ट्रांसमिशन हमने रख दिया। कुछ और भी, एक लाइन और मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लोगे, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से जूम कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल होल्ड करके जो माउस उसमें बीच वाले बटन से आप उसको कर सकते हो। थोड़ा सा स्केल हम कर लेंगे, ऑब्वियसली आपको यूनिफॉर्म स्केल करके चलना है, आप चाहो तो वैल्यूज चेंज कर सकते हो कैरेक्टर में, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है, बट अगर आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन करके भी यूज कर सकते हो। बट इट ओके,